कि आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ये वर्ल्ड पीस के पुरोधा है। आज का कार्यक्रम ये आतंकवाद के खिलाफ है। आज का कार्यक्रम हम सभी लोग जानते हैं कि आज का कार्यक्रम ये आतंकवाद के खिलाफ है। जिस प्रकार से मुंबई के ऊपर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था और हमारे जाबाज पुलिस अफसरों ने हमारे करकरे जी, हमारे कामटे जी, हमारे सारस्कर जी, हमारे तुकाराम मोमळे जी, सभी हमारे पुलिस अफसर और हमारे एनएसजी के कमांडोज, इन्होंने जिस प्रकार से इस हमले को समाप्त किया था, 15 साल बाद मुंबई फिर से खड़ी है और ये कह रही है कि हमारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। और इसी के चलते आज ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला था, किंतु वर्षा रानी ने भी अलग प्रकार से आशीर्वाद दिया है। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हे वर्ल्ड पीस याचे अग्रसर आहेत। गुरुदेव ने वर्ल्ड पीस की जो समिट दिल्ली में और अमेरिका में भी ली, दुनिया भर के सारे विचारक और सारे अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक साथ आकर गुरुदेव के समक्ष ये फैसला किया कि अब दुनिया में हम झगड़ा नहीं होने देंगे, दुनिया को शांतिप्रिय जगह बनाएंगे और एक प्रकार से भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने वाले हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हैं। इसीलिए आज के इस मौके पर जो हमारा पीस पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार है, वो हमारे गुरुदेव जी को यहाँ पर दिया जाने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पुरस्कार गुरुदेव जी को दिया जाना इस पुरस्कार का महत्व बढ़ाता है और इस पुरस्कार को देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे जी ये स्वयं यहाँ मौजूद हैं। मैं दिव्यज फाउंडेशन की ओर से, और एक बात समझ लीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ अमृता की तरफ से बोल रहा हूँ, आवाज मेरी है लेकिन बात उनकी है, तो मैं दिव्यज फाउंडेशन की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पुरस्कार से हमारे सभी के बहुत ही पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी, और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आज ही उन्होंने महाराष्ट्र के साथ आर्ट ऑफ लिविंग ने एक एमओयू किया है और महाराष्ट्र के 30 जिलों में वाटर कंजर्वेशन और नेचुरल खेती, नैसर्गिक खेती का काम महाराष्ट्र सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग करने वाली है। तो ऐसे हमारे वर्ल्ड पीस के पुरोधा गुरुदेव का सत्कार, स्वागत और उन्हें पुरस्कार देने का निवेदन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी को करता हूँ।